तो मैं आपसे आग्रह करती हूं कि आपकी जब सरकार बनेगी तो उनका पेंशन भी जरूर बढ़ाइएगा। प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव हैं और पार्टी का बड़ा चेहरा भी हैं। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं। कांग्रेस यहां पर खासी एक्टिव है और प्रियंका गांधी फ्रंट से लीड करती हुई भी दिख रही हैं। 21 जुलाई को ग्वालियर में कांग्रेस ने एक बड़ी जनसभा रखी। इसको प्रियंका गांधी ने संबोधित भी किया। यहां प्रियंका ने लंबा चौड़ा भाषण दिया जिसमें उन्होंने राज्य की भाजपा सरकार पर करारे तंज कसे। घोटाले के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर उन्होंने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। इस दौरान प्रियंका की एक बात खासी चर्चा में रही, क्योंकि इशारों इशारों में उन्होंने ये बता दिया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। दरअसल प्रियंका ने अपने भाषण के दौरान कहा कि जब वो भाषण के लिए यहाँ पर आ रही थी ग्वालियर में, तो रास्ते में एक दिव्यांग व्यक्ति उनसे मिले और उन्होंने कहा कि हमारी पेंशन राज्य में काफ़ी कम है। प्रियंका ने कहा कि उन्होंने मुझे बताया कि उनको 600 रुपये पेंशन मिलती है। इसके बाद प्रियंका ने कमलनाथ, जो मंच पर ही बैठे थे, उनकी तरफ मुखातिब होते हुए कहा कि कमलनाथ जी, मेरी गुजारिश है कि जब आपकी सरकार राज्य में आए तो दिव्यांगों की ये पेंशन ज़रूर बढ़ाई जाए। यानी इशारों इशारों में उन्होंने ये बता दिया कि कमलनाथ राज्य में कांग्रेस की तरफ से CM फेस हो सकते हैं। कमलनाथ जो फिलहाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, और 2019 के अंत में जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे और कांग्रेस जीती थी, तो कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि बाद में उनकी सरकार गिर गई थी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया तमाम विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए थे। प्रियंका गांधी के इस बयान को ही अगर सामने रखें तो एक तरीके से ये बड़ा इशारा है कि राज्य में एक बार फिर अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो कमलनाथ ही कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। और कमलनाथ जी से मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी मांग अपनी तरफ से भी करना चाहती हूँ। अभी रास्ते में मैं यहाँ आ रही थी तो कुछ मुझे दिव्यांग लोग मिले, उन्होंने कहा कि उनका पेंशन सिर्फ मात्र 600 रुपये है। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आपकी जब सरकार बनेगी तो उनका पेंशन भी ज़रूर बढ़ाइएगा। प्रियंका गांधी की इस बात पर कमलनाथ ने जवाब भी दिया। उन्होंने प्रियंका के इस वीडियो को रीट्वीट करते हुए लिखा, प्रियंका गांधी जी ने मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनने पर दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ाने का आग्रह किया है। मैं प्रियंका गांधी जी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनते ही दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ाने का कार्य सर्व प्राथमिकता से किया जाएगा। वर्ष 2018 में कांग्रेस सरकार ने ही दिव्यांग पेंशन को 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये किया था। अब 2023 में पुनः हमारी सरकार इसे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। इन सारी बातों के बीच प्रियंका गांधी ने भ्रष्टाचार और घोटाले के मुद्दे पर भी मध्य प्रदेश की सरकार को, भाजपा सरकार को घेरा। आप नेताओं से पूछिए कि इतने घोटाले क्यों हो रहे हैं, कि आपने 22,000 घोषणाएं की उसमें से क्या आपने 2,000 भी पूरी की? आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि ये दो 20-25 घोटाले, इनकी जो लिस्ट है ये हर रोज बढ़ती ऐसी चली जा रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, जबकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जो कुछ समय बाद गिर गई थी उसके बाद फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। NVT ऑनलाइन की रिपोर्ट।